मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बखरिया पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने पंचायत में विकास कार्यों में बरती जा रही अनियमितता को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे वार्ड सदस्यों का आरोप है कि जब भी पंचायत संबंधी विकास कार्यों के बारे में स्थानीय मुखिया और उनके पति से जानकारी लेने जाते हैं तो हरिजन एक्ट के तहत केस करने की धमकी दी जाती है। प्रदर्शनकारियों में पंचायत के उप मुखिया सह वार्ड सदस्य शमशाद हुसैन ने बताया कि बखरिया पंचायत के मुखिया पति इकबाली राम अपनी मनमानी कर रहे हैं। पंचायत में वार्ड सदस्यों द्वारा कार्य मांगने पर कहते हैं कि यह मेरा काम है, जिसको जाना है वहां जाए। साथ ही मुखिया पति धमकी देते हैं कि अगर इधर उधर कीजिएगा तो हरिजन एक्ट के केस में फंसा देंगे। मामला यह है, ग्राम पंचायत राज बखरिया मुखिया पति इकबाली राम अपने मनमानी कर रहे हैं। हम सब वार्डो लोग जा करके वहाँ पूछते हैं ये मुखिया जी क्या है, तो बोल रहे हैं हमारा ही काम है, हमको मिला है, आप लोग जाना चाहते हैं तहाँ जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है, आप लोग जहाँ खोजिएगा हक वहाँ से लेकर के आइएगा तो हम हक देंगे, नहीं तो हमारे बस का हक नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, और इधर उधर आप लोग कीजिएगा तो हरिजन एक्ट लगाएंगे। हमारा समस्या ये है कि हम लोगों का पंचायत का अभी तक आम सभा नहीं हुआ 2 अक्टूबर का। ग्राम सेवक के पास कॉल करते हैं तो यहाँ है वहाँ है फलाना ढिमका, वो लोग कहकर समझा देते हैं। मुखिया के पास जाते हैं तो ग्राम सेवक के पास जाइए, कोई काम का विवरण हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कार्यपालक के पास फोन कर रहे हैं कि ये कितना काम एंट्री हुआ है, का हुआ है का नहीं हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये ठीक है, आप लोगों को क्या उससे लेना देना है। अभी तक हम लोगों को 10 महीना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं मिला सर्टिफिकेट के अलावा। अगर हमारी मांग को मुखिया जी के पास जाते हैं तो ज़्यादा कुछ बोलोगे तो हरिजन एक्ट कर देंगे तुम सभी वार्ड सदस्यों पर। हम वार्ड सदस्य लोग तंग आ चुके हैं, अब हमारी सरकार आवाज़ नहीं सुनी तो हम लोग DM साहब को अपना ले जाकर सर्टिफिकेट जमा कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगी।